बेटा आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है देखेंगे माइलिनोजेनेसिस क्या होती है नर्व सेल के ऊपर। तो पिछली क्लास में आपने देखा था कि नर्व सेल जो है उसमें एक सेल साइटान या सोमा है और दूसरी सेल प्रोसेस है। सेल प्रोसेस जो छोटी छोटी साइज की है मल्टीपल हैं, उन्हें हम डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स कहते हैं, और जो एक सिंगल है लार्ज साइज की उसे हम एग्जान कहते हैं। तो मतलब अगर ये सेल है तो ये स्ट्रक्चर इसे हम लोग सोमा कहते हैं, और ये जो ऐसे स्वेलिंग्स हैं इसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, ये पूरा जो है इसे एग्जाम कहते हैं। अब होता क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है माइलिनोजेनेसिस इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एनसीईआरटी ने इसे एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखें तो माइलिनोजेनेसिस माने होता है, ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि माइलिन है क्या, सबसे बड़ी बात यह समझना पड़ेगा माइलिन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन। तो अगर आप माइलिन को समझे तो ये माइलिन एक तरह की स्फिंगोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड है, या इसे कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड है। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन सीथ का फॉर्मेशन, ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर एग्जान है, ये यहां से यहां तक एग्जान है। इस मेम्ब्रेन का नाम आपने पहले ही पढ़ रखा है, एग्जान की मेम्ब्रेन को हम लोग एक्सोलेमा कहते हैं। ये देखिए इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग एक्सोलेमा कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता क्या है आप समझें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो एक्सोलेमा है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर न्यूरोफाइब्रिल्स न्यूरोफिलामेंट्स हैं। अगर आप समझें तो एक टर्म है जिसे आप पहले सीख लें फिर मैं आपको वहां सिखाता हूँ। टर्म ये है कि नर्व फाइबर क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको माइलिन वाला कॉन्सेप्ट सिखाते हैं क्योंकि आपस में सारी चीजें जुड़ी हैं। तो नर्व फाइबर क्या है, सबसे पहले आप समझ लें एडिशनल लेयर्स ओवर न्यूरैक्सिस लिख लें, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, न्यूरैक्सिस के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा लेयर होती है उन्हें हम नर्व फाइबर कहते हैं। अगर आपको ये बात सिंपल समझना है तो जैसे आप वायर देखते हैं, वायर उसके ऊपर केबल लगी होती है, तो केबल क्या है, नर्व फाइबर है, वायर जो है नर्व सेल है, ऐसे समझ लिया आपको याद हो जाएगा। तो आप देखिए नर्व फाइबर माने वो एडिशनल लेयर जो न्यूरैक्सिस के ऊपर है उन्हें हम लोग नर्व फाइबर कहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि न्यूरैक्सिस क्या है, तो न्यूरैक्सिस या न्यूरल सिलेंडर कहते हैं एक्सोप्लाज्म कहा क्या है, ये जो इसके अंदर ये भरा हुआ है, और प्लस एक्सोलेमा को, मतलब जितना स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो पूरी स्ट्रक्चर जो है वो न्यूरैक्सिस है, ये इसके अंदर न्यूरोफिलामेंट्स है, न्यूरोट्यूबुल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एडिशनल लेयर ओवर न्यूरैक्सिस या न्यूरैक्सिस चाहे लिख लें, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एग्जान या डेंड्रॉन के ऊपर जो लेयर्स हैं, एग्जान या डेंड्रॉन के ऊपर जो लेयर्स हैं एक्स्ट्रा लेयर जो है उन्हें नर्व फाइबर कहते हैं। मतलब इसके ऊपर अगर हमने कोई लेयर बनाई, ये जो एक्सोलेमा है अगर इसके ऊपर हमने कोई लेयर बनाई तो उस लेयर को हम लोग नर्व फाइबर कहेंगे। क्या कहेंगे, नर्व फाइबर कहेंगे। तो आइए देखा जाए, कॉन्सेप्ट ये है दोस्त कि ये जो आप एक्सोलेमा देख रहे हैं इस एक्सोलेमा के ऊपर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक खास तरह से फैट का डिपोजिशन हो जाता है, ये देखिए। लेकिन ये जो फैट का डिपोजिशन है ये कंटीन्यूअस नहीं है, इसके बीच बीच में गैप है, ये देखिए ऐसे बीच बीच में गैप है, ये देखिए ऐसे गैप है। अब अगर हम चाहे तो इसे हटा दें, अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसे हटा दीजिए, फिर आप ऐसे दिखाइए सर ये फैट, अच्छा केवल ये एग्जाम के ऊपर नहीं है, ये डेंड्रॉन के ऊपर भी फैट की लेयर है, ये देखिए। तो ये जो फैट की लेयर है इस फैट का नाम पहले आप लिख लीजिए कि सर इस फैट का नाम माइलिन सीथ है, ये सबसे पहली बात आप ये लिख लें कि ये माइलिन सीथ है, और माइलिन सीथ क्या है, फॉस्फोलिपिड है। आपके मन में बात जरूर आएगी कि इस फैट का इस्तेमाल क्यों है या फैट यहां पर बने क्यों। तो इस फैट का फॉर्मेशन, ये जो फैट की लेयर है ये बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पे है, इसके ठीक ऊपर एक लेयर है जो कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान रखेंगे ये लेयर कॉन्टिन्यूअस है और ये फैट के लेयर के ऊपर पूरी तरह से लगी हुई है, ये देखिए ये जो लेयर बना रहा हूं ये कॉन्टिन्यूअस है।
इसमें खास तरह की फ्लैट सेल्स हैं, ये देखिए, इन फ्लैट सेल्स का नाम स्वान सेल्स है, ये देखिए ये स्वान सेल्स हैं। अगर इस लेयर का नाम आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे सर इस लेयर का नाम न्यूरिलेमा है। क्या नाम है? न्यूरिलेमा। और इसके ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम स्वान सेल्स है, ये देखिए स्वान सेल्स है। इस माइलिन शीथ का फॉर्मेशन यही न्यूरिलेमा ही करती है। ये जो फैट है ये डिसकंटिन्यूअस है, जहां जहां पर ये फैट नहीं है, ये लोकेशन है जहां पर फैट नहीं है, जहां जहां पर फैट नहीं है उन लोकेशंस को हम लोग नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये देखिए नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो नोड ऑफ रेनवियर क्या है? नोड ऑफ रेनवियर वो प्लेसेस है जहां पर माइलिन डिसकंटिन्यूअस है, और जो न्यूरिलेमा है जो माइलिन को बना रही है वो कंटिन्यूअस लेयर है। ये देखिए कंटिन्यूअस लेयर है। इस तरह से अगर आप देखें तो इस एग्जाम डेंड्रॉन के ऊपर फर्दर कितनी लेयर हो गई? दो लेयर हो गई, मैक्सिमम टू लेयर हो सकती है, एक माइलिन शीथ की और दूसरी न्यूरिलेमा की। तो अगर आपको लिखना हो कि न्यूराक्सिस, तो पहली बात आप एक सिंपल सा कमेंट कर दें कि माइलिन शीथ, पहले ये बात लिखी जाए फिर देखा जाएगा, माइलिन शीथ इज फॉर्मड बाय इस फॉर्मड बाय न्यूरिलेमा। माइलिन शीथ इज फॉर्मड बाय न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा जो होती है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। और न्यूरिलेमा किस सेल की बनी है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे सर स्वान सेल्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? स्वान सेल्स की बनी हुई है। ये काम हो रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स को और क्रैनियल नर्व्स को। वहां पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन कर रही है? न्यूरिलेमा कर रही है। फिगर मैंने बना दिया है, पहला कमेंट हो गया। दूसरा देखिए, अगर आपको देखना हो इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में माइलिन शीथ, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिन शीथ इज फॉर्मड बाय, माइलिन शीथ इज फॉर्मड बाय, माइलिन शीथ इज फॉर्मड बाय एक खास तरह की सेल्स है वहां पर, जिनका नाम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में माइलिन शीथ है, ये देखिए माइलिन शीथ है, लेकिन वहां पर जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ये लिखा हुआ है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रही है। अब आप कंफर्म करिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? न्यूरिलेमा या स्वान सेल्स कर रही है? कंफर्म कर लीजिए। जिसमें जिक्र जो है एनसीईआरटी ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो जहां पर सेल बनी उसके बगल में लिखी गई है। तीसरी बात लिखिए, स्टार लगाइए और कमेंट लिखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। इन माइलिन शीथ, तीसरा कमेंट लिखिए, माइलिन शीथ इज एब्सेंट, माइलिन शीथ इज एब्सेंट इन, माइलिन शीथ इज एब्सेंट इन, लिख दीजिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब सोमेटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ नहीं है। हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं माइलिन शीथ। आपको माइलिन शीथ क्या है? फैट की बनी हुई है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन न्यूरिलेमा कर रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रही है, और माइलिन शीथ जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में एब्सेंट है। लेकिन खास बात यह है कि यहां पर माइलिन शीथ तो एब्सेंट है, पॉइंट वाली बात यह है कि न्यूरिलेमा यहां पर प्रेजेंट है। न्यूरिलेमा आपको दिखाई पड़ेगी, न्यूरिलेमा तो प्रेजेंट है लेकिन माइलिन शीथ नहीं बनती है इन जगहों पे। मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ पड़ी हुई है लेकिन, सॉरी न्यूरिलेमा पड़ी हुई है लेकिन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर आपसे कोई फिगर पूछे तो आप कहेंगे सर ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया एक्सोलेमा, ये देखिए ये कौन सा लेमा हो गया? एक्सोलेमा या न्यूराक्सिस हो गई। और इसके ऊपर आप क्या करेंगे? ये देखिए ऐसे आप, ये कौन सी लेयर है? ये है आपकी न्यूरिलेमा और इसे आप कंटिन्यूअस बना देंगे लेकिन यहां पर माइलिन शीथ नहीं पाई जाएगी। इस लेयर का नाम क्या है? न्यूरिलेमा।
तो यहां पर माली सीथ नहीं है, जहां पर माली सीथ नहीं होती है उसे नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, या कहते हैं कि ये नॉन मालिनेटेड नर्व फाइबर है, नॉन मालिनेटेड नर्व फाइबर है, क्योंकि यहां पर मालिन नहीं है, लेकिन मालिन को बनाने वाला यहां पर हमारा निर्लिमा पड़ी हुई है। निर्लिमा क्या हुई है? पड़ी हुई है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मालिन पाया जाता है, इसलिए इस नर्व फाइबर को हम लोग मालिनेटेड कहते हैं। ये देखिए, तो मालिनेटेड में एडिशनल लेयर कितनी हो सकती है? दो। कौन कौन सी? मालिन की सीथ और स्वान सेल। जबकि नॉन मालिनेटेड में एडिशनल लेयर कितनी हो सकती है? केवल एक। कौन सी? निरिलिमा। मालिन सीथ क्या है? अब्सेंट है। यह है कॉन्सेप्ट। अब आपको यह समझना है, आगे ये समझना है, कुछ कुछ बातें और हैं, आप पहले नोट कर लें फिर देखा जाएगा। सबसे पहली बात आपको ये लिखना है कि माइलिन सीथ इच डिसकॉन्टिन्यूअस, माइलिन सीथ इच डिसकॉन्टिन्यूअस इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जहां जहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है उन्हीं जगहों को हम लोग नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट कमेंट हो गया। अब आपके दिमाग में सेट जाना चाहिए कि मालिन सीथ का फॉर्मेशन कौन कौन करता है। मालिन सीथ का फॉर्मेशन एक तो करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, कौन? निरिलिमा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका फॉर्मेशन कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में माइलिन सीथ नहीं पाई जाती है। जहां जहां पर माइलिन पाई जाती है उसे मेडुलेटेड या मालिनेटेड कहते हैं, जहां पर नहीं पाई जाती है उसे नॉन मालिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड कहते हैं। तीसरी बात देखें, एक कमेंट आप और यहां देखें, देखें न्यूरिलिमा इज कंटिन्यूअस लेयर, इज कंटिन्यूअस लेयर, न्यूरिलिमा इज कंटिन्यूअस लेयर फॉर्ड बाई या कंपोज ऑफ कौन सी सेल्स? आप कहेंगे सर कंपोज ऑफ स्वान सेल्स। ये स्वान सेल्स हैं जो न्यूरिलिमा का फॉर्मेशन करते हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, ये न्यूरिलिमा का फॉर्मेशन करती हैं। ये आपके ऊपर मैंने फिगर ये बना दिया है। और अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूरिलिमा का फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे सर इनका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन। फॉर्मेशन ऑफ माइलिन कहां कहां पे? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन कहां पे? अगर आपसे पूछूं इन, आप कहेंगे सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पेरिफेरल नर्व स्पाइनल पे न्यूरिलिमा पाई जाएगी और जो है फॉर्मेशन करेगी माइलिन की। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे माइलिन तो पाई जाएगी, न्यूरिलिमा तो पाई जाएगी, लेकिन माइलिन का फॉर्मेशन नहीं करेगी। ये देखिए ये कौन सा नर्वस सिस्टम है? ये अगर आपसे पूछूं ये कौन सी लेयर है, आप कहेंगे सर ये एक्सोलेमा है। ये कौन सी लेयर है? आप कहेंगे सर ये एक्सोलेमा है। और इसके बाद ये कौन सी लेमा है? ये न्यूरिलिमा है। क्या बीच में माइलिन है? नहीं है। तो यहां पर कितनी लेयर एडिशनल है? यहां पर एडिशनल लेयर के एक है, और वो एडिशनल लेयर जो इस नर्व फाइबर के ऊपर पड़ी होती है उन्हें एडिशनल लेयर को हम लोग नर्व फाइबर कहते हैं। तो नर्व फाइबर में मैक्सिमम लेयर कितनी हो सकती है? मैक्सिमम लेयर हो सकती है दो। तो अगर आपसे पूछे कि माइलिन का फंक्शन क्या है, माइलिन का फंक्शन क्या है, माइलिन सीथ का फंक्शन क्या है, तो आप ये लिखेंगे माइलिन सीथ का फंक्शन क्या है, क्या करती है ये माइलिन इस नर्व के ऊपर। मैं अगर आपसे पूछूं वायर के ऊपर पड़ा हुआ केबल क्या करता है, जो केबल है उसके जो वायर है उसके ऊपर जो केबल लगी हुई है वो क्या करती है, तो आप कहेंगे सर हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है, यही काम है इसका। तो अगर इस नर्व सेल के ऊपर ये जो एक्सोलेमा है इसके ऊपर ये जो माइलिन पड़ी हुई है जो डिसकंटिन्यूअस है, ये जो डिसकंटिन्यूअस माइलिन सीथ है इसका फंक्शन है प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस। ये देखिए प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस, ये आयंस के लीकेज को बताता है, प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस। ये देखिए माइलिन का ये फंक्शन है कि वो आयंस को लीक करने से बचाता है। अगर आप बाहर देखें तो बाहर के फ्लूड को आप क्या कहेंगे? ईसीएफ कहेंगे। और अंदर के फ्लूड को क्या कहेंगे? आप एक्सोप्लाज्म कहेंगे। तो एक्सोप्लाज्म से ईसीएफ में एक्सचेंज केवल कहां हो सकता है? उन जगहों पे हो सकता है जहां पर नोड ऑफ रेनवियर है। इसके सिवा जहां जहां पर माइलिन पड़ी हुई है, ये लोकेशन है जहां पर माइलिन पड़ी हुई है, जहां जहां पर माइलिन पड़ी हुई है इन जगहों पर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी आयनिक एक्सचेंज नहीं हो सकता है।
और माइलिन का फॉर्मेशन कौन करता है? स्वान सेल। किस किस नर्वस सिस्टम में? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन का फॉर्मेशन कौन करता है? देख लीजिए न्यूरोलेमा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन का फॉर्मेशन कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ अब्सेंट होती है। और माइलिन का फंक्शन क्या है? मैंने लिख दिया प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस, आयंस को लीक होने से बचाती है। कहां से कहां? फ्रॉम एक्सोप्लाज्म टू ईसीएफ, फ्रॉम एक्सोप्लाज्म टू ईसीएफ, एक्सोप्लाज्म से ईसीएफ को लीक करने से बचाती है। और जहां जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है, देखिए माइलिन ये वो लोकेशन है जहां पर माइलिन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन न्यूरोलेमा क्या है? कंटिन्यूअस है। जहां जहां पर माइलिन डिसकंटिन्यूअस है उन जगहों को हम लोग नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो नोड ऑफ रेनवियर कहां पर पाया जाएगा? नोड ऑफ रेनवियर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में माइलिन या नोड ऑफ रेनवियर नहीं पाया जाता है। आइए देखा जाए माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होते हैं। अब आपको डिफरेंस देखना है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, समझना है कि किसे माइलिनेटेड कहेंगे और किसे नॉन माइलिनेटेड कहेंगे, पक्का सीखना इस बात को। आइए देखा जाए, मैंने एक तरफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर दिखा, दूसरी तरफ दिखा नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और मैंने पहले आपको बता दिया नर्व फाइबर से कहते हैं जो एक्सोलेमा के ऊपर एडिशनल शीथ है, मतलब केबल को कहते हैं। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर का दूसरा नाम अगर आप देखें तो इसका पहला होता है, इसे दूसरा नाम हम लोग कहते हैं क्या, इसका नाम मेडुलेटेड नर्व फाइबर भी है। पहला आप कमेंट देखें किसका नाम है, मेडुलेटेड नर्व फाइबर। मेडुलेटेड नर्व फाइबर किसे कहते हैं जहां पर माइलिन पड़ी है? यहां लिखें इसका नाम है नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। मतलब आपको आज ये भी सीखना है कि इनके अलग अलग नाम क्या हैं, माइलिनेटेड किसे कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड किसे कहते हैं, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। ये देखिए तो ये दो इसके अलग नाम हो गए, ये पहले आप क्लियर समझ लें, इस पर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर लिखा है माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, माइलिनेटेड कहते हैं, तो आप बिना इंतजार किए लिखिए माइलिन शीथ इज प्रेजेंट। फट से आप कमेंट लिखिए माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, माइलिन शीथ इज प्रेजेंट। ये देखिए जहां पर भी माइलिन शीथ होगी उसे हम लोग माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहेंगे। यहां देखिए लिख दीजिए कि माइलिन शीथ इज अब्सेंट, यहां पर आपको माइलिन शीथ नहीं दिखाई पड़ेगी। जहां पर माइलिन शीथ नहीं दिखाई पड़ेगी उसे नॉन मेडुलेटेड कहेंगे, जहां माइलिन दिखाई पड़ेगी उसे मेडुलेटेड कहेंगे। तो आप एक काम करें यहां पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर दें। जब आप माइलिन बना रहे हैं कभी माइलिन कंटिन्यूअस मत बनाइएगा, उसके बीच बीच पे गैप दिखाइएगा। ये देखिए ये माइलिन शीथ है, जिस पेन से मैंने लिखा है उसी पेन से मैं इसको बना भी दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए जहां जहां पर माइलिन नहीं है अभी मैंने आपको बताया था उस जगहों को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। आप लिख दीजिए जहां जहां पर माइलिन डिसकंटिन्यूअस है उसे लिखिए नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, क्योंकि यहां पर माइलिन शीथ है। तो अगला अपना डिफरेंस लिख सकते हैं नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट। नोड ऑफ रेनवियर कौन सी जगह है? नोड ऑफ रेनवियर वो जगह है जहां पर माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस है। नोड ऑफ रेनवियर यहाँ प्रेजेंट है और आप यहां लिखेंगे सर ये अब्सेंट है। ये देखिए उधर मैंने इधर माइलिन बनाया लेकिन उधर माइलिन मैंने नहीं बनाया है। इस माइलिन को बनाने वाली जो सेल्स हैं, अगर आप उन सेल्स को देखें तो ये देखिए ये एक लेयर है जो इसके ऊपर कंटिन्यूअस है और इस लेयर का नाम है न्यूरोलेमा। ये देखिए अगर आप इस लेयर का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सर ये न्यूरोलेमा है जो माइलिन का फॉर्मेशन करती है। और इसी न्यूरोलेमा की सेल्स को हम लोग सेल्सवान सेल्स कहते हैं या कभी कभी लोग इसे सचवान सेल कहते हैं। ये देखिए सचवान सेल कहते हैं ये। तो अगर आपको इधर लिखना है तो सबसे पहली बात तो आप यहां देख लें कि यहां पर माइलिन न्यूरोलेमा तो है, माइलिन नहीं है। ये देखिए न्यूरोलेमा यहां है लेकिन यहां पर माइलिन नहीं है, ये समझना है आपको। ये देखिए आप यहां लिख दीजिए सर ये भी न्यूरोलेमा है, यहां पर न्यूरोलेमा है, ये ऐसे लिख दीजिए। और यहां पर लिखी इन सेल्स का नाम क्या है? स्वान सेल्स है लेकिन यहां पर माइलिन शीथ नहीं है, ये समझना है आपको। यहां पर बहुत पॉइंट वाली बात है कि यहां पर भी न्यूरोलेमा है वहां पर भी न्यूरोलेमा है लेकिन यहां पर न्यूरोलेमा माइलिन का फॉर्मेशन कर रही है, वहां पर न्यूरोलेमा माइलिन का फॉर्मेशन नहीं कर रही है। तो अगर आप देखें अगर आपके पास सीख लें कि जो माइलिन का फॉर्मेशन है माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन है वो दो तरह से है। कैसे दो तरह से है?
अगर आप देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस मालिक का फॉर्मेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती हैं। समझना इस बात को आपको, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसका फॉर्मेशन न्यूरोलिमा करती है। मतलब माइलिन का फॉर्मेशन तो अलग अलग सेल्स करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरोलिमा करती है। यहां पर अगर आपको कमेंट लिखना हो, इस साइड में कमेंट लिखना हो, न्यूरोलिमा इज प्रेजेंट, न्यूरोलिमा इज प्रेजेंट, न्यूरोलिमा इज प्रेजेंट बट डज नॉट फॉर्म माइलिन, या बट डो नॉट फॉर्म माइलिन। यहां पर न्यूरोलिमा तो है लेकिन वो माइलिन का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, बट डू नॉट फॉर्म माइलिन, ये सीखना है आपको। तो ये माइलिन तो वहां न्यूरोलिमा है लेकिन माइलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन यहां पर न्यूरोलिमा फॉर्मेशन कर रही है कहां पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्मेशन कर रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इन फाइबर्स को अगर आप देखें, क्योंकि फैट व्हाइट कलर की होती है इसीलिए इनको हम लोग व्हाइट नर्व फाइबर कहते हैं। यहां रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं, व्हाइट नर्व फाइबर कहते हैं, क्योंकि इनका अपीयरेंस व्हाइटिश कलर का है। यहाँ पर आप लिखेंगे ये ग्रे अपीयरेंस है, इसलिए इनको ग्रे नर्व फाइबर, या ऐसे कह सकते हैं ग्रे नर्व फाइबर कहते हैं। सीधा सिंपल से लिखें, इसे ग्रे नर्व फाइबर कहते हैं। मतलब जहां जहां पर व्हाइट नर्व फाइबर कभी आप पढ़ते हैं, तो वो जगह जहां पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, और जहां पर ग्रे नर्व फाइबर है, मतलब वहां पर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। ये देखिए, अगर आपको और डिफरेंस लिखना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस एट नोड ऑफ रेनबियर। जहां पर नोड ऑफ रेनबियर है केवल वहीं पर एक्सचेंज होगा। जैसे यहीं पर एक्सचेंज हो सकता है, अंदर की चीज बाहर जा सकती है, बाहर की चीज अंदर आ सकती है। लेकिन अगर आप यहां पर भी देखें, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस अलोंग नर्व सेल, पूरे नर्व सेल में जो है आयनिक एक्सचेंज होगा। ये देखिए, यहां पर नोड और इंटर नोड पड़े रहेंगे, लेकिन वहां पर नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाएंगे। और अगर आप देखिए तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहां पे हैं, ये तो क्लियर हो गया, एक माइलिनेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे हैं। लेकिन अगर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आप देखें, तो ये दो नर्वस सिस्टम पे है, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे है और दूसरा जो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे है। आप लिख सकते हैं कि नॉन माइलिनेटेड कहां पे है, लिख दीजिए कि ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम में पहला है और दूसरा है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, ये कंफर्म कर दीजिए। नॉन माइलिनेटेड दो जगह पे है, सोमेटिक पे और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे है, जबकि नॉन माइलिनेटेड कहां पे है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। फाइबर्स कुछ ऐसे दिखते होंगे वहां पे। एक कमेंट और आप लिख दें, यहां पर साल्टेटरी कंडक्शन होता है। साल्टेटरी माने उछल उछल के कंडक्शन होता है। साल्टेटरी कंडक्शन माने उछल उछल के कंडक्शन होता है। कंडक्शन केवल वहीं पर होता है जहां पर नोड ऑफ रेनबियर है, और कहीं पर भी एक्सचेंज नहीं होगा। यहां पर नो सच कंडक्शन, यहां पर नो सच कंडक्शन, इस तरह का कंडक्शन नहीं होता है। यहां पर कंडक्शन जो होता है पूरे न्यूरॉन में होता है, इसलिए ये जो कंडक्शन है ये फास्ट कंडक्शन है। और ये कंडक्शन कैसा है, अगर आप यहां देखें न्यूरॉन्स का कंडक्शन, यहां पर फास्ट कंडक्शन है, और यहां पर अगर आप न्यूरॉन्स का कंडक्शन देखें तो यहां पर न्यूरॉन्स कंडक्शन स्लो कंडक्शन है। ये देखिए, समझना इस बात को, ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का मेन फर्क है जो आपको सीखना है। इसका मतलब माइलिनेटेड नर्व फाइबर में रिएक्शन फास्ट है कंडक्शन, जबकि नॉन माइलिनेटेड में स्लो है। डिफरेंस आप देख लीजिए, यहां पर माइलिन है और वहां पर माइलिन नहीं है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, जबकि वो सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में है। चलते चलते आपको एक बात याद रखना है, अगर आप देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार आपको काम देगा। अगर आपसे कोई पूछे कलेक्शन ऑफ साइटॉन, अगर आप कलेक्शन ऑफ साइटॉन देखें तो कलेक्शन ऑफ साइटॉन दो तरह होंगे। अगर इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन होगा तब क्या कहेंगे, और इनका आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा तब क्या कहेंगे, आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन होगा तो इन्हें हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है न्यूक्लियाई क्या है। कितना आसान है कि साइटॉन का कलेक्शन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है तो उसे न्यूक्लियाई कहते हैं,
लेकिन अगर आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है तो इसे हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। ये देख लीजिए, फिर समझ ले कि अगर साइटन का कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होता है तो उसे न्यूक्लियाई कहते हैं, और अगर उसी साइटन का कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर कहीं पर भी हो जाए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो जाए, सोमेटिक में हो जाए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हो जाए तो उसे गैंग्लिया कहते हैं। ठीक इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट और समझ ले, दूसरा कॉन्सेप्ट है कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर्स हैं अगर इनका कलेक्शन कहां पर हो तो ये क्या कहेंगे, ये भी आप समझ लें। कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर अगर आप देख रहे हैं, अगर इनका कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो इन्हें हम लोग ट्रैक कहते हैं। ये देखिए, याद कर लीजिए कि अगर नर्व फाइबर का कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो इसे ट्रैक कहते हैं, उनके कलेक्शन को ट्रैक कहते हैं, और अगर इनका आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाए, आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर का कलेक्शन हो जाए तो इन्हें हम लोग नर्व कहते हैं। ये भी सीखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर सुन ले। साइटन का कलेक्शन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर हो जाए तो उसे न्यूक्लियाई कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो जाए तो उसे न्यूक्लियाई कहते हैं अगर साइटन का कलेक्शन हो, लेकिन अगर इन्हीं साइटन का कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होता है तो उसे हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। उसी तरह से अगर नर्व फाइबर का कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होता है तो उसे ट्रैक कहते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर उनका फॉर्मेशन होता है तो उसे हम नर्व कहते हैं। ये डिफरेंस है, समझना है आपको कि साइटन के कलेक्शन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूक्लियाई और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर गैंग्लिया कहते हैं, जबकि नर्व फाइबर के कलेक्शन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग ट्रैक कहते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर हम उसे नर्व कहते हैं। तो आपको यह बात समझनी है कि हमारी बॉडी में दो तरह के नर्व फाइबर्स हैं, एक वो है जिनके ऊपर माइलिन है और एक वो है जिनके ऊपर माइलिन नहीं है। जहां पर माइलिन है वो लीकेज ऑफ आयंस को रोक रही है, वहां पर एक्सचेंज केवल नोड ऑफ रेनबियर पे हो रहा है, लेकिन जहां पर माइलिन नहीं है वहां पर एक्सचेंज हर जगह हो रहा है। आप यह देसी तरीके से सीख पा सकते हैं कि जो वाल्वो वॉशेस है कहीं कहीं रुकती हैं, वहीं पर एक्सचेंज होता है, कुछ लोग चढ़ते कुछ लोग उतरते हैं, जहां वाल्वो वॉशेस रुकती है वो नोड ऑफ रेनबियर है, लेकिन एक देसी बस होती है जो हर जगह रुकती है, हर जगह लोग बैठते हैं, वो नॉन माइलिन इंटरनल फाइबर है। तो कौन सी फास्ट चलेगी, वाल्वो चलेगी या देसी वाली? आप कहें सर वाल्वो, क्योंकि जगह जगह नहीं रुकती है, वहां पर एक्सचेंज हर जगह नहीं होता है, वहां पर एक्सचेंज केवल उन जगहों पर होता है जहां पर उसका बस स्टॉप होता है, जहां रुकती है, जबकि देसी वाली हर जगह रुकती है, तो जाहिर सी बात है उसको हो जाएगी। तो बॉडी में अगर आप देखें तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर का जो अरेंजमेंट है, हमारे इस नेचर जो मदर नेचर है उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किया, जबकि नॉन माइलिन नर्व फाइबर को उसने सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में किया। और अगर आप ये बात देखेंगे तो ये है एनसीईआरटी, जो मैंने आपसे 100 बार बोला है कि एनसीईआरटी मोक्ष के रास्ते खोलती है, कंफर्म रखिएगा। सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नॉन माइलिन नर्व फाइबर है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। किसमें फास्ट होगा? माइलिनेटेड में। किसमें स्लो कंडक्शन होगा? नॉन माइलिनेटेड में। ये भी याद रखिएगा, साइटन का कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर गैंग्लिया कहते हैं। नर्व फाइबर का कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर उसे हम लोग नर्व कहते हैं। याद रखे, आइए हम आपको टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़ाते हैं। आइए देखा जाए, नर्वस टिश्यूज में एक सेल है जिसे हम लोग न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। अगर आप इनका पूरा कभी नाम देखें तो इनका पूरा नाम न्यूरोग्लियल सेल्स है। इन सेल्स का फंक्शन देखें थोड़ी सी, अगर आप देखें तो मैं आपको नर्वस टिश्यूज पढ़ा रहा हूँ, 11th का थोड़ा सा न्यूरल चैप्टर है, नर्वस टिश्यूज थोड़ा सा है, तो आप उसको भी देख लें, पता लगा कभी कभी इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आपसे गलती हो जाएगी। तो ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो मेनली हेल्प करती है, हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ न्यूरल टिश्यूज, हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ न्यूरल टिश्यूज, हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ न्यूरल टिश्यूज या नर्वस टिश्यूज। जो नर्वस टिश्यूज हैं उनकी पैकेजिंग में ये मदद करती है माइक्रोग्लियल सेल्स। ये देखिए, सबसे पहले बेसिक बात यही है, अगर आप इनके न्यूरोग्लियल सेल्स के टाइप देखें, अगर आप इनके टाइप देखें तो इनका पहला जो टाइप है उस सेल का नाम एस्ट्रोसाइट्स है। ये देखिए, ये पहली टाइप है जिसे हम लोग एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं, ये भी नर्व सेल्स हैं एस्ट्रोसाइट्स। तो अगर आप एस्ट्रोसाइट्स को देखते हैं तो ये लार्जेस्ट, इन तीनों में लार्जेस्ट साइज के हैं। एक्चुअली इसके तीन टाइप हैं, तो इन तो तीनों टाइप में सबसे बड़ी साइज की ही होती है। न्यूरोग्लियल सेल्स के तीन टाइप हैं, हम आपको एक एक करके पढ़ाते हैं। तो ये लार्जेस्ट साइज की है,
दूसरा आप इसमें देखिए, इसमें फ्यू प्रोसेस है, फ्यू प्रोसेस है, आप ये लिख सकते हैं, प्रोसेसेस ज्यादा नहीं होती हैं। एस्ट्रोसाइट्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टार शेप दिखाई पड़ती है, मतलब आपको ये स्टार जैसी दिखाई पड़ेगी, जबकि नर्व सेल है। अगर आप इसकी ओरिजिन देखें तो इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है, ये देखिए एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये सेल्स हैं जो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, मतलब इनकी ओरिजिन एक्टोडर्म से होती है। ये एस्ट्रोसाइट्स है, ओरिजिन एक्टोडर्म से है, लार्ज साइज की है, फ्यू प्रोसेस है, स्टार शेप्ड है। अगर आप इनके फंक्शन देखें, जो आपसे पूछा जाता है फंक्शन देखें, तो ये देखिए फंक्शन, आप लिखिए वे फॉर्म, सिर्फ फंक्शन की बात करते हैं, वे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर, वे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर, ये जो सेल्स हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर को शॉर्ट में ट्रिपल बी कहते हैं। ये देखिए, अगर आपसे कोई पूछे ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब क्या होता है, तो ऐसे सिंपल सा लिखें, प्रोटेक्ट ब्रेन, प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम न्यूरोटॉक्सिन्स, प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम न्यूरोटॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिन से ब्रेन को बचाती है। हो गया, इतना बस परफेक्ट आपके लिए। इसके अगर दूसरी टाइप आप बात करें तो दूसरी सेल्स हैं जिन्हें हम लोग ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। ये देखिए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं, ये इसकी दूसरी टाइप है, मतलब माइक्रोन्यूक्लियर सेल्स की जो दूसरी टाइप सेल्स की है उनका नाम क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। अगर आप इनको देखें, इन सेल्स के बारे में अगर आप देखें, तो इनका इनका जो इनके बारे में आप ऐसे पहले कमेंट लिख लें, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, इन सेल्स की ओरिजिन एक्टोडर्म से होती है, पहला कमेंट हो गया, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, पहला कमेंट आपने लिख दिया। दूसरा कमेंट आपको करना है फ्यू प्रोसेसेस, इसीलिए लिखा ही गया है कि इसमें जो है ओलिगो सब लिखा, ओलिगो माने इसे भी फ्यू होता है, फ्यू प्रोसेसेस। और अगर आपसे कोई पूछे आप इसका फंक्शन क्या है, सीधे लिखिए फॉर्म माइलिन सीथ, फॉर्म माइलिन सीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फॉर्म माइलिन सीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखिए पूछा जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन सीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, आपको जवाब देना है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करनी है। तीसरा देखिए, अगर आप इस माइक्रो न्यूरोग्लियल सेल्स का तीसरा टाइप देखते हैं, तो इनका नाम है माइक्रोग्लियल सेल्स, ये देखिए माइक्रोग्लियल सेल्स नाम है, ये देखिए ये माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है, इनकी ओरिजिन मेसोडर्म से होती है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। अब फट से लिख दें, फट से लिखिए मेसोडर्म से ओरिजिन है, ये डिफरेंट बात है। और ये जो सेल्स हैं माइक्रोग्लियल सेल्स का अगर आप सीधे लिखें तो ये स्केवेंजर सेल्स है, स्केवेंजर सेल्स मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, और ब्रेन में अगर कोई चीज है फॉरेन फैक्टर आ गया तो उसे किल कर देती है। अब इसके सिवा एक सेल आपको और सीखनी है, कौन सी सेल सीखनी है आप देख लें, इन तीनों के बाद आपको जो सेल अगली सीखनी है वो सीखनी है एपेंडाइमल सेल्स। ये देखिए एपेंडाइमल सेल्स, ये एपेंडाइमल सेल्स जो होती है एक्चुअली ऐसे नहीं होती है, ये सीलिएटेड होती है, सीलिएटेड होती है, ये देखिए। और इनका काम है प्रेजेंट इन, फंक्शन देख लें आप इनका, प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ वेंटिकल्स, प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ वेंटिकल्स। वेंटिकल्स क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो खोखला है, हमारे ब्रेन तो हमारा ब्रेन सॉलिड नहीं है, जितने भी वर्टिब्रेट्स उनका ब्रेन सॉलिड नहीं होता है, उनका ब्रेन खोखला होता है। और जहां जहां पर ब्रेन कैविटीज हैं, आप ऐसे कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं कि सर जो ब्रेन में कैविटीज हैं, ब्रेन में जो कैविटीज हैं उन्हीं कैविटीज को हम लोग वेंटिकल्स कहते हैं। ये देखिए उन्हीं वेंटिकल्स की दीवारों पर पड़ा हुआ है ये कौन से सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स। अगर आप देखें सीलिएटेड एपेंडाइमल सेल्स, तो हमारा जो ब्रेन है
उस ब्रेन में ऐसे खोखले हैं, ऐसे इस तरह से ब्रेन में जो है कैविटीज हैं, ब्रेन में टोटल कैविटीज हमारे चार हैं। अगर आप देखें, ये देखिए, ये पहली कैविटी हो गई, ये दूसरी कैविटी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। ये ब्रेन में हमारी चार कैविटीज है और इनकी कैविटीज के बगल बगल में ये सेल्स पाई जाती हैं जिनका नाम एपेंडाइमल सेल्स है। क्वेश्चन आते हैं इसके ढेर सारे, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि एटलीस्ट आपसे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए नर्वस सिस्टम के। तो ये ब्रेन में जो कैविटीज हैं, इन शुरू की पहली दूसरी कैविटीज का नाम अगर आप देखें तो इसे बनाता है सेरिब्रम, मतलब ब्रेन की शुरू की दो कैविटी का जो दो कैविटीज है वो सेरिब्रम के अंदर है। जो सेरिब्रम हमारा ब्रेन है उसके नीचे दो कैविटीज है, खोखला है सेरिब्रम, ऐसे भी समझ सकते हैं। इन कैविटीज को हम लोग पैरासील कहते हैं, या इन्हें हम लोग, यहाँ देखिए तीसरा पहले नाम देख लें, इसे बनाता है डायन्सिफेलान बनाता है। अब आप इससे ये भी आने लग सकते हैं कि ब्रेन की ये लोकेशन है जहां पर कैविटी है, और चौथा कैविटी है जिसे हम लोग जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में है, मतलब ब्रेन के ये वो पार्ट है जो खोखले हैं। कौन कौन से ब्रेन के पार्ट है जो खोखले हैं? सेरिब्रम है, डायन्सिफेलान है और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है। इन सारी कैविटीज खोखली हैं, और अगर आप इनके नाम देखें तो ये जो सेरिब्रम की कैविटी है इसका नाम पैरासील है, डायन्सिफेलान की जो कैविटी है इसका नाम डायोसील है, और इसकी जो कैविटी है इसका नाम मेटासील है। ये इतनी तो कैविटी है, और इन कैविटी से भरा क्या है? ये CSF, ये देखिए इस फ्लूइड का नाम क्या है? CSF नाम है, पूरा नाम आप जानते हैं। अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो वो भी लिख लें आप। इसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इस कैविटी का नाम है। इसमें जो फ्लूइड भरा है उसका नाम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, और इसकी दीवारों पर जो खास तरह की नर्व सेल्स पड़ी हुई है वो एपेंडाइमल सेल्स है। यह पूछा जाता है फंक्शन क्या है। अगर आप इनका फंक्शन देखें तो ये देखिए, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ, सीधे लिखिए काम की बात, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के मूवमेंट में ये सेल्स मदद करती हैं। सेल्स का नाम क्या है? एपेंडाइमल सेल्स है। आपको इस तरह से मैंने आपको छोटे छोटे न्यूरल टिश्यूज के बारे में हल्की सी जानकारी दे दी। आइए आपको मैं एक्शन प्रोसीजर पढ़ाता हूँ।